चोरों के द्वारा शाहपुर पुलिस को बदनाम करने की रची जा रही साजिश। जी हां, रीवा जिले के शाहपुर थाना में और मोबाइल चोरी की शिकायत करता दर्ज करवाई गई थी, जिसके संबंध में शाहपुर पुलिस के द्वारा शक के दायरे में आ रहे हैं। आपको बता दें, तीन व्यक्तियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था एवं पूछताछ करने के बाद उन्हें वहां से भेज दिया गया, जिस पर लवकुश सोनी, जो कि मोबाइल चोरी करके बेचने का कार्य किया था, वह पुलिस की पूछताछ से डर गया और अपने आप को बचाने के लिए शाहपुर पुलिस पर मनगढ़ंत एवं झूठा इल्जाम लगाकर बदनाम करने की कोशिश करने लगा। आपको बता दें कि बीते दिन 20 जुलाई को लवकुश सोनी अपने कुछ अन्य साथियों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय रीवा में जाकर पुलिस अधीक्षक से शाहपुर पुलिस के ऊपर मारपीट एवं पैसे लेने का आरोप लगाया तथा सोशल डिस्टेंसिंग का सहारा लेकर बदनाम करने की कोशिश किया। जबकि लवकुश सोनी के दो अन्य साथियों का कहना है कि पुलिस उन्हें शाहपुर थाने में पूछताछ के लिए बुलाई थी और किसी भी प्रकार से ना तो मारपीट की गई और ना ही पैसे लिए गए। लवकुश सोनी यह साजिश रचकर पुलिस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी चोरी छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। देखना यह है कि ऐसे फर्जी शिकायत करने वाले व्यक्तियों पर जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। किस नंबर प्रयासी? कहाँ के निवासी हैं? शाहपुर मोड़ गजरहा। लवकुश सोनी द्वारा अभी शाहपुर पुलिस के ऊपर पैसे लेने का आरोप लगाया जा रहा है, इसका पूरा मामला क्या है? ये उसका बड़ा भाई हमें बुलाया कि लवकुश सोनी को पुलिस उठा लाई है। क्या नाम है बड़े भाई का? छोटानी, छोटानी कहते हैं, सोनी है, हरदी शाहपुर का। बताया कि मेरे भाई को पुलिस उठा लाई, फ़ोन द्वारा हमें बुलाया तो हमने पूछा पहले कि तुम वो किस मामले में आया है। बताया कि मोबाइल चोरी में। तो हमने कहा क्या है उसमें, कैसे उसको छुड़वा दीजिए, कैसे हम तो हम बोले कि हम कैसे छुड़वा दें, हम उस संबंध में कुछ नहीं जानते हैं, पैसे का लेन देन किसी भी प्रकार से नहीं हुआ, न हमको पैसा दिया वो। तो आप किस पद पे हैं कि आपको पैसे दिया गया? हम किसी वेदी। कहाँ के निवासी हैं? धौसर। आपको शाहपुर पुलिस कुछ दिन पहले बुलाई थी? जी। किस लिए बुलाई थी? मोबाइल के मामले में। किसको किसको बुलाई थी? आशीष पांडे, लवकुश सोनी और हमको। क्या शाहपुर पुलिस आपके साथ मारपीट की है? नहीं सर, शाहपुर पुलिस के द्वारा मारपीट नहीं किया गया। मारपीट नहीं किया गया। आपका एक साथी लवकुश सोनी जी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जाकर यह बोल रहा था कि उसके साथ मारपीट की गई है, क्या मामला है? जी सर, बोला था, हमसे भी आकर बोला था, चलना है रीवा कार्यालय चलना है और वहाँ तुमको बयान देना है, पुलिस हम लोग को मारी पीटी है और सिगरेट से जलाई है, वो सीने में सिगरेट से जला लिया था अपने से। लवकुश सोनी द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि 25,000 रुपये पुलिस के द्वारा लिया गया है। पैसा वैसा नहीं लिया गया था सर। तो आपका साथी जो बोल रहा है तो क्या झूठ बोल रहा है? जी सर। यह झूठ क्यों बोल रहे हैं? पुलिस को फंसाने के लिए सर। तो उसके पैर में चोट आई है? ये नहीं मालूम मेरे को चोट। पुलिस आपके साथ मारपीट की थी? नहीं की थी। तो फिर उसके पैर में चोट कहाँ से आई? जहाँ से आई हो ये सब मेरे को नहीं मालूम। क्या कोई दबाव तो नहीं है आपके ऊपर? कोई दबाव नहीं है। चलिए, कुमार पांडे। आपको शाहपुर पुलिस बुलाई थी क्या? जी सर, बुलाई थी। किस लिए बुलाई थी? मोबाइल का केस था, चोरी का, लवकुश चोरी मोबाइल चोराया था हमको, राजधर मोनू उर्फ मोनू नाम है, मोनू द्विवेदी, मेरे को बुलाई थी, लवकुश सोनी, तीनों को पूछताछ के लिए शाहपुर थाना पुलिस बुलाई थी। जी। तो क्या आप लोग मोबाइल चोरी किए थे? नहीं सर, हम लोग नहीं किए थे सर। हम वहाँ गए तो पूछताछ हुआ हमसे, बोले मोबाइल चुराए हो, बोले नहीं सर नहीं चुराए हैं, बस हो गया, बैठाए थे 10-20 मिनट अंदर, बस पूछे पाछे छोड़ दिए, बोले ठीक है जाओ तीनों को। क्या आपके साथ पुलिस द्वारा मारपीट? नहीं सर, कोई मारपीट नहीं है। तो फिर लवकुश सोनी पुलिस अधीक्षक कार्यालय गया था, इसका क्या मामला है? सर वो हमारे पास भी आया था, बोला पुलिस के नाम कंप्लेन करनी है, चलो कार्यवाही करते हैं। मैं बोला सर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा भाई भी उधर है,
मैं नहीं रहता हूँ। तो आपके पास आया था ये बोलने के लिए कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय चलना है? जी। तो आपने क्या बोला? मैं बोला मैं नहीं जाऊंगा, तुमको जो करना है करो, मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे साथ भी नहीं हुआ, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। क्या आपके साथ शाहपुर पुलिस पैसा भी कुछ मांगती ना थी? सर, कोई पैसा की बात ही नहीं की है। लवकुश सोनी द्वारा बताया जा रहा है कि 25,000 रुपए की मांग की गई। नहीं 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 नहीं, कोई भी पैसे की बात ही नहीं हुई, बस वो पूछताछ किए, पूछताछ करने के बाद छोड़ दिए हम तीनों को वहाँ से। लवकुश सोनी के पैर में चोट आई है, ये कहाँ से? वहाँ से सर, तो सही निकले हम तीनों, अब वहाँ से निकलने के बाद किसको क्या हो जाएगा ये किसी को पता नहीं सर। तो आपके साथ मारपीट नहीं? कोई मारपीट नहीं सर, तीनों को साथ बुलाए, साथ में ही पूछताछ की है, तीनों को साथ में ही छोड़ा गया। चलिए, धन्यवाद। जी सर।